डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी की जन्मतिथि है 14 मई 1891 को उनका जन्म हुआ है। सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आज उनके दिन को याद कर रही है। देश भर के सभी जगहों पर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा है। उनके कंट्रीब्यूशन देश के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, काफ़ी मेहनत करके उन्होंने ये संविधान बनाया है। जैसे मैंने बताया कि जब संविधान बनाने की बात आई थी तो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री और उस समय हमारे के होम मिनिस्टर सरदार पटेल और नेहरू जी जब गांधी जी से मिले और उनसे ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, गांधी जी ने जब उनसे दरियाफ्त किया कि कौन बनाने वाला है, तो उन्होंने किसी इंग्लैंड के व्यक्ति का नाम लिया, तो गांधी जी ने उनको रोका, उनको कहा कि ऐसा मत करिए और आपके पास बाबा भीमराव अम्बेडकर है, आप अम्बेडकर जी से कानून बनवाइए। तब जाकर नेहरू जी ने अम्बेडकर जी को बुलाकर उसको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और बड़े विस्तार से उन्होंने हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन के वो फाउंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में और कश्मीर में भी आज हमने अपने ऑफिस में उनका दिन मनाया है, उनको पुष्पांजलि की है, उनको याद किया है, उनके जीवन को याद किया है। ये कार्यक्रम आज बाबा साहब की याद में हमने यहाँ मनाया है।